हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है मीडियन यूआई का 1.4 जो है वर्जन, जो अपडेटेड वर्जन आया हुआ है, वो आप लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए होंगे। और इसमें जो है इसका जो कस्टमाइजेशन होता है वो पूरी की पूरी कोडिंग के थ्रू होता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पूरा जो मीडियन यूआई का जो कस्टमाइजेशन है वो कोडिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो भी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस थीम में कैसे कस्टमाइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन का जो अपडेटेड वर्जन आया हुआ है। मीडियन का ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जो अपडेटेड वर्जन आया है, यहाँ पे जो है वो ट्रेंडिंग का ऑप्शन आ गया है और जो स्लाइडर का ऑप्शन था वो इन्होंने हटा दिया क्योंकि उसका ज़्यादा यूज नहीं था। तो अगर आप 1.3 अभी भी यूज कर रहे होगे तो उसमें स्लाइडर होगा, लेकिन 1.4 में स्लाइडर नहीं होगा। तो आप अपडेट करोगे तो स्लाइडर का ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन इसमें जो है नया चीज़ क्या ऐड हुआ है, तो इसमें जो लैंग्वेज आपका जो ब्लॉगर का जो लैंग्वेज होगा, ठीक है, जो आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट की होगी, ये ऑटोमेटिक उस लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लेगा। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे थीम में आपको आना है। थीम में आने के बाद यहाँ पे जब अगर आपने अपने थीम को इंस्टॉल कर लिया होगा तो यहाँ एडिट एचटीएमएल करना है। एडिट एचटीएमएल करोगे तो आप जो थीम है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे पहला जो चीज़ है कि इसमें जैसे कि मैंने ये थीम यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सबसे आपको क्या क्या मेन मेन चेंजेस करने होते हैं। तो आपको जो चेंजेस करने होते हैं वो मेन आपको कैटेगरी चेंज करना होता है, और फिर यहाँ पे सोशल आइकन्स का जो लिंक होता है वो चेंज करना होता है, और जो लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लैंग्वेज इंडोनेशियन लैंग्वेज है तो इसको चेंज करना होता है। उसके अलावा इसमें और कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है। बाकी एड्स कैसे लगाना है वो बस इतना ही इसमें करना है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पे एड्स, जैसे कि ये कैटेगरी, यहाँ पे ये जो कैटेगरीज बनी हुई है मेन मेन्यू का, तो अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐड करना है, या फिर इसमें करना है, या नीचे करना है, या फिर ये बीच में जो लाइन आप देख रहे हो ये कैसे ऐड करना है, तो ये आखिर किस तरह से करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये कैटेगरीज के कोड्स को आपको एक्सेस करना है। तो क्योंकि इसका जो कस्टमाइजेशन होता है वो लेआउट से नहीं होता है, कोड से होता है। तो इसके कोड्स को आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आओगे, तो कोड्स को एक्सेस करने के लिए जो मैं आपको बताऊँ तो कंट्रोल F करोगे और यहाँ पे HTML 00, ये ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे देखिए 001 ये यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये आपको फाइंड करना है, और फाइंड करोगे तो जा करके तो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि ये देखिए HTML ये 001 यहाँ पे है, आपको 00 पे जाना है। तो 005 यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये देखिए 00 कहाँ पे है, यहाँ पे आया। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है, 00। ठीक है, HTML 00। इसके अलावा बाकी जो भी होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। मेन 00 वाला जो है उसी में चेंज करना है क्योंकि वहीं से मेन मेन्यू स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि ये HTML 00 का कोड यहाँ पे है। अब यहाँ पे जैसे कि अब नीचे आप आओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये देखिए यहाँ पे ये होम है, उसके बाद यहाँ पे है जो है वो कैटेगरी है। अगर आपका जो थीम होगा अगर उसमें होम या कैटेगरी इस तरह से शो नहीं कर रहा होगा तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये पहले से चेंजेज है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। और गूगल ट्रांसलेट जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, अब जैसे यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इस टेम्पलेट में जो भी ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है इसको जो लैंग्वेज आपको जो चेंज करना है तो ये कॉपी करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके लिस्ट में ये जो है वो अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, और इसको ले जा करके मैं गूगल ट्रांसलेट में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक, तो ये जो होगा वो अपने आप जो है वो ट्रांसलेट करके बता देगा। जैसे देखिए ये क्या है, इंडोनेशियन लैंग्वेज है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसका नाम होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो अब आपको क्या करना है कि इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करोगे और कॉपी करके आपको यहाँ पर आ करके ये चेंज कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद सेव कर दोगे, फिर अपने ब्लॉग पे जाओगे तो सेम चीज़ दिखाएगा। इसी तरह से आपको जो है सारे लैंग्वेज, जो भी आपके थीम में जो लैंग्वेजेज होगा उसको सबसे पहले चेंज करने के लिए आपको यही काम करना है कि सारे लैंग्वेज को आप क्या करोगे कि थीम पे जाओगे, यहाँ से अगर कॉपी हो पाता है तो आप कॉपी करोगे, अदरवाइज लिख लोगे। ठीक है, नहीं होता है तो आप यहाँ पर लिखोगे तो ये अपने आप वो कर देगा, यहाँ पर आप उसको लिखोगे तो ये अपने आप क्या करेगा कि ट्रांसलेट कर देगा। बस आपको उसको कॉपी
किया और पेस्ट करके यहाँ पे, पहले आपको यहाँ पे आकर के फाइंड कर लेना है और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको जो है यहाँ पे ऐड करना, आपको यहाँ पे ऐड करना है क्या कि आपको यहाँ पे ऐड करना है एक मेन्यू। कैसे मेन्यू ऐड करना है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया, यहाँ पे ये जो है ये मेन्यू ऐड करना है, ठीक है। इसके बीच में मान लीजिए अबाउट और कॉन्टैक्ट के बीच में मुझे एक मेन्यू ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं मेन्यू ऐड करने के लिए क्या करूँगा कि ये जो है आपको अबाउट का ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको फाइंड करना है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। तो ओपनिंग टैग जो होता है वो जैसे कि उसमें जो होता है वो स्लैश नहीं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है स्लैश लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्लैश नहीं लगा हुआ है, तो ये ओपनिंग टैग है, ठीक है। तो इस ओपनिंग टैग को आपको सर्च करना है, तो ओपनिंग टैग जो है यहाँ से आपको ले करके क्लोजिंग टैग, जैसे कि मान लीजिए li लिस्ट जो है ये li, इसका अगर ये ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग होगा, तो वो आपको सर्च करना है कि क्लोजिंग टैग कहाँ है। तो वो क्लोजिंग टैग आपको कहाँ सब मिलेगा कि जहाँ पे स्लैश लगा होगा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल कॉपी, ठीक है। और ठीक जस्ट इसके नीचे आपको स्पेस कर देना है और यहाँ पे आकर के उसको पेस्ट कर देना है, तो अब एक नया जो है मेन्यू यहाँ पे बन जाएगा। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे नेम दे देते हैं ब्लॉग, ठीक है। तो अब ये ब्लॉग यहाँ पे मैंने नेम दे दिया और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे मेन्यू जो मैंने क्रिएट किया वो मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके, ठीक है। तो आप इसको, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन आ गया, ठीक, जैसे अबाउट और कॉन्टैक्ट के बीच में ब्लॉग आ गया, ठीक। तो ये चीज़ आप देख रहे हो कि ऐसे हो गया। अब इसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। अभी इस यहाँ पे अगर कोई ऐड करना है ऑप्शन, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आपको कैटेगरी ऐड करना है, तो इसी तरह से आप क्या करोगे, साइट मैप डिस्क्लेमर या प्राइवेसी किसी का भी कोड जो है आप यहाँ से जैसे ये देखिए यहाँ पे साइट मैप का, जैसे मान लीजिए साइट मैप के नीचे या साइट मैप के ऊपर जहाँ भी आपका मन करे आप मान लीजिए कि एक ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे यहाँ से साइट मैप का जो li ओपन हो रहा है यहाँ से आप जो है इसका ये कॉपी करोगे, ठीक है। या तो इसके ऊपर करो या फिर इसके नीचे, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर ही करके मैं दिखा देता हूँ आपको साइट मैप के जस्ट ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो है ये कंट्रोल भी करना है, तो ये पेस्ट हो गया, साइट मैप्स है तो इसका नाम चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इसका नाम मैंने टर्म्स लिख दिया, ठीक है। अब इसको सेव कर देना है, तो ये क्या होगा कि नया मेन्यू फिर से यहाँ पे बन जाएगा। अब ये अपडेट हो गया, फिर से आपको रिफ्रेश करके मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइट मैप के जस्ट ऊपर एक और मेन्यू आ गया टर्म्स का, देख रहे हो आप। इसी तरह से आपको जो है मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी है, कैटेगरी के जस्ट नीचे यहाँ पहला चीज़ कैटेगरी के यहाँ पे आप देख रहे हो कैटेगरी के में जो है सब मेन्यूज़ बने हुए हैं, तो ये कैसे क्रिएट करना है। और ये कैटेगरी के जस्ट नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये मान लीजिए कि आपको इनके नीचे एक और लाइन बनाना है और वहाँ पे, तो वो कैसे आप करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप जब कोड्स में देखोगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे कॉन्टैक्ट के नीचे ये लाइन है, तो आप देखोगे कि कॉन्टैक्ट का जो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, तो कॉन्टैक्ट का ये पूरा कोड जो है ये है, ठीक है। तो अब इसमें आप जो li, ये li है, और तो ये लिस्ट जो है यहाँ पे li जो है इसका जो क्लास है, क्लास में ब्रेक लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे आप देखोगे उसके ठीक नीचे जो टर्म्स का मैंने अभी बनाया उसमें जो ब्रेक नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो ऐसे ही जैसे आपको कहीं भी लाइन अगर देना होगा, ठीक है, कहीं भी अगर लाइन देना होगा ये इस तरह का, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये क्लास जो है वो ब्रेक लगा दोगे, क्लास इज इक्वल टू ब्रेक आपको जो है यूज करना है। अगर ऐसा आप यूज करोगे वो, तो वो क्या होगा कि आपका जो है एक लाइन वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मान लीजिए मैंने क्लास इक्वल टू ब्रेक एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक, ये ब्रेक मैंने लगा दिया, सिंगल कोट्स में आपको लगाना है, ठीक है, ये सिंगल कोट्स में मैंने ब्रेक लगा दिया। अब इसको मैं सेव करके देखता हूँ कि एक लाइन वहाँ पे आया कि नहीं।
तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब सेव करके आपको ये फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए जैसे ब्रेक लगाया टर्म्स के नीचे फिर से एक लाइन आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको लाइन लगाना है तो ब्रेक लगाना है, लाइन नहीं लगाना है तो ब्रेक का यूज नहीं करना है। क्लास इज इक्वल टू ब्रेक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप देख लोगे यहाँ से। उसके बाद अब बात आती है कि जैसे कि हमने ये लगा दिया, तो अब मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कोड, तो ये आइकन जो है सेम आ जा रहा है, ठीक है। तो आइकन चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो है इसके मेन, तो मीडियन यूआई का जो मेन होम, मेन प्रोफेशनल वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारे आइकन्स का मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप आओगे तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में सारे जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कर लेना है। आप अपने क्रोम में एक एक्सटेंशन आप गूगल ट्रांसलेट का इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आया तो इंडोनेशियन और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आ गया, तो इंग्लिश में मैं चेंज कर दूंगा तो ये पूरा वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि SVG जो आइकन्स हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये देखिए SVG आइकन्स ये हैं, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लूँगा, तो ओपन करूँगा तो यहाँ पे जैसे इसको भी मैं इंग्लिश में चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब ये सारे आपको SVG आइकन्स के कोड यहाँ पे इतने सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब कौन सा कोड आपको लगाना है वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से कोई एक कोड मैं उठा लूँगा, कौन सा मान लीजिए ब्लॉग है, ठीक है, ब्लॉग के आइकन को मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से मैं कोड उठा लूँगा। तो ब्लॉग का कोड, जो ब्लॉग का आइकन कौन सा है वो मैं देख लेता हूँ। मान लीजिए ये हो गया, ये ब्लॉगर है, ये कोड हो गया ब्लॉग का, ठीक है। तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँगा, ये पूरा कोड, ठीक है, ये SVG का ये पूरा कोड यहाँ तक है। इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा। इसको मैं कॉपी करने के बाद फिर अपने डैशबोर्ड पे आऊँगा और मेरा ब्लॉग मैंने जो बनाया था ये वाला, तो ब्लॉग जो है ब्लॉग के ठीक ऊपर ये जो लिंक्स का लिंक आइकन ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक आइकन, तो ये जो लिंक्स का आइकन है ये पूरा है SVG का ओपनिंग टैग और ये जहाँ लास्ट हो रहा है क्लोजिंग टैग, ये पूरा इसको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे लाके Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया, अब इसको मैंने सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद अब मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखना कि वहाँ पे आइकन जो है वो चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अब जैसे ब्लॉग आ गया, तो अभी यहाँ पे ब्लॉग का आइकन आप देखना, ये देखिए चेंज हो गया ब्लॉग का आइकन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है अपना आइकन चेंज करना है। आइकन चेंज करने के लिए आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाना, आप जिस तरह से उसके लैंग्वेज को चेंज करके सारा चीज़ आप देख लेना, ठीक है। इसका कोड डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये सारी चीज़ आप देख करके यहाँ से सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे। ये कोड्स जो है आपको ला करके बस यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही हैं लिखा है लिंक आइकन, इस सारे चीज़ों को बस आपको जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि किस तरह से हम आइकन्स को चेंज करेंगे। अब बात जो आती है वो ये आती है कि ये कैटेगरी के नीचे जो ये सब कैटेगरी बनता है वो कैसे बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैटेगरीज पे ही जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैटेगरीज पे हम आ गए, ठीक है। तो अब कैटेगरी पे आ गए तो यहाँ पे अब क्या है कैटेगरी का जो ऑप्शन, ये कैटेगरी का जो, तो कैटेगरी में देखिए कैटेगरी में यहाँ से इसका पूरा कोड ये है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से ये पूरा कोड है इसका। तो यहाँ पे कैटेगरी में सबसे पहला चीज़ अगर कैटेगरी आपको बनाना है किसी और आइकन के किसी और मेन्यू में, तो आपको क्या करना है ये क्लास इज इक्वल टू सब मेन्यू ये आपको देना है, ठीक है। क्लास में सब मेन्यू आपको लगाना है। सब मेन्यू लगाने के बाद ये देखिए ये पूरा जो है यहाँ पे पूरा दिया हुआ कोड। तो आप क्या करोगे, आपको इतना कुछ इसमें नहीं करना है, आपको सीधा ये पूरा कोड कॉपी करना है और वो उसमें पेस्ट कर देना है। ये जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे कोड को मैं कॉपी करके ये जो ब्लॉग है इसी इसके जगह पे ही मैं मेन्यू बना देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए इसके जगह पे मैं ये पूरा Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ से मुझे ये ब्रेक हटा देना है क्योंकि मैं बीच में बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से ब्रेक हटा दिया, ठीक है। अब ये और इसको मैंने रख दिया नाम, इसका ब्लॉक कर दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब के देखोगे आप कि ये पूरा कैटेगरीज जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको और कुछ नहीं करना है, पूरा बस कैटेगरी का उठा करके आपको चेंज कर देना है जहाँ भी आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि अब ब्लॉग में आप देखोगे, देखिए यहाँ पे अब देखिए ये डाउन एरो शो करने लगा और यहाँ पे भी अब जो है वो, तो यहाँ पे डाउन एरो शो करने लगा और यहाँ पे भी कैटेगरी शो करने लगेगा। बस आपको जो है थोड़ा लिंक्स का चेंज
करना है, मैंने अभी लिंक्स चेंज नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे नहीं शो कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा लिंक्स इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है मेन्यू सब मेन्यू बनाना है। अब मेन बात रह गई कि मेन्यू सब मेन्यू तो हम बना दिए, लेकिन अब इसमें लिंक्स कैसे लगाएंगे। जैसे कि हम किसी को क्लिक करें, जैसे मान लीजिए अबाउट को क्लिक करें, तो अब मेन मेरा ही अबाउट पेज खुले वो कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो पेजेज और पोस्ट्स जो भी बनाए हैं, जो भी पेजेज आपने बनाए हुए हैं, तो उन सारे पेजेस के लिंक्स को आपको एक जगह लिख के रख लेना है इस तरह से। जैसे कि मैंने ये देखिए पूरा अबाउट अस, फॉर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्टैक्ट अस, साइट मैप डॉट html, और उसके बाद जो कैटेगरीज मैंने बनाई थी उसके ये सारे लिंक्स जो हैं वो मैंने एक जगह कलेक्ट करके रख लिया है, ठीक है। आप भी अगर अपने ब्लॉग में बनाया होगा तो आप भी अगर उस पेज के पर्टिकुलर लेबल या पर्टिकुलर पेज को खोलोगे तो आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। लिंक जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो लिंक है इसी तरह से आपको कॉपी करके रख लेना है। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए मुझे अबाउट अस का, ये अबाउट अस का पेज जो है उसका लिंक चेंज करना है। तो सबसे पहले हम अबाउट पे आते हैं, ये अबाउट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये अबाउट है, तो आप भी अपने अबाउट पे आ जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो href ये आपको दिखेगा, जहाँ से इसके इसको कोड की स्टार्टिंग होगी, उस वहाँ जस्ट एक ये एंकर टेक्स्ट लगा होगा, ये एंकर टेक्स्ट का लिंक लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लास इज इक्वल टू लिंक दिया है और href का दिया हुआ है, तो जहाँ भी href होता है वहाँ पे लिंक डाला जाता है, ठीक है। कोडिंग में जहाँ भी href आपको दिखेगा वहाँ पे लिंक डाला जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए लिंक में, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो पेजेस का लिंक दिया हुआ है, किसी पेज का लिंक दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब इस पेज के लिंक के जगह पे आपको अपना लिंक डालना है, तो वो कैसे डालना है, तो उसके लिए जब आप ओपन करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे कि आपका जो ब्लॉगर का जो लिंक बनता है वहाँ पर भी सेम लिंक उसी तरह का आपको दिखेगा। ये आपका जो मेन जो डोमेन का जो लिंक है उसके बाद ये स्लैश के बाद आपका ये पूरा आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। स्लैश के ये पूरा बाद आप कॉपी कर लोगे कंट्रोल सी करके, और इसको ला करके यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर दोगे, ये पूरा जो है इसको यहाँ ला करके कंट्रोल भी कर दोगे, ठीक है। तो ये अब रिप्लेस हो जाएगा, आपका जो लिंक होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको सेव कर दोगे और ओपन करोगे तो आपका जो होगा अबाउट अस का पेज अब वो ओपन होगा। तो इसी तरह से आपको जितने भी हैं आपके जो मेन्यूज हैं उनके लिंक्स को चेंज करना है इसी तरह से फाइंड करके। सिर्फ आपको href फाइंड करना है और वहाँ पे जाकर के अपना जो है वो लिंक कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, जैसे ये प्राइवेसी का हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का आपको कॉपी करना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ पे लिंक कहाँ पे है। तो जैसे मान लीजिए प्राइवेसी है मेरा, ये साइट मान लीजिए जैसे कि साइट मैप है, तो यहाँ पे साइट मैप पे, अब यहाँ पे दो चीज़, तो साइट मैप का जो href होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये href है, तो यहाँ पे जैसे ये p और साइट मैप html, तो इतने को चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये href है, ठीक है, तो किसी किसी href के सामने सिर्फ आपको स्लैश p और ये इतना आपको चेंज करना होगा, ठीक है, इतना ही दिया होगा। लेकिन ये अब जैसे ये साइट मैप हो गया, तो साइट मैप के href के आगे आपको कुछ अलग तरीके का दिखेगा, कैसे, तो ये देखिए क्लास लिंक हो गया, यहाँ पे expr, ओके, फिर कॉलन, फिर href है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा ब्लॉग होम पेज url प्लस कोट्स इस तरह से आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको सेम चीज फाइंड करना है, ये p और ये साइट मैप html यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि सिर्फ इतना ही कॉपी करना है। जैसे मान लीजिए ये साइट मैप डॉट html मेरा यहाँ पे है, तो आपको ये स्लैश छोड़ देना है और ये इतना कॉपी करना है, और कंट्रोल सी करके आपको क्या करना है कि कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे आकर के इतने को फिर अपने लिंक से पेस्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से लिंक कैसे चेंज करना है, एक href का करना है और एक साइट मैप डॉट html का करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब जो है कैटेगरीज में जो पेजेज आप बनाते हो, लेबल्स के जो पेजेज होते हैं उसको कैसे चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लॉग का कैटेगरी बना और ब्लॉग के अंदर इतने सारे जो हैं वो सब मेन्यूज बना करके, सब कैटेगरीज बना करके मैंने रखा हुआ है, तो अब इसमें कैसे लिंक चेंज करना है। तो इसमें लिंक चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि ये इसका जो एक अलग से लिंक होगा, जब आप पेज ओपन करोगे तो जो लेबल्स पे लेबल जो आपने लगाया होगा उसका एक अलग से लिंक बनता है, उस लेबल पे के नाम पे जब आप क्लिक करोगे तो वो पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे कि ये आपका जो जब आप लेबल पे क्लिक करोगे तो आपका जो लिंक बनता है वो इस तरह का कुछ बनता है, जिसमें कि सर्च लेबल और ये पूरा आता है इस तरह का, ठीक है। किसी किसी में
मैक्स रिजल्ट और इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से ये सर्च लेबल और ये पूरा कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, बस इतना। मेन जो है डोमेन जो लिंक है उसको छोड़ देना है, उसके बाद का जितना है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, उसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आ करके ये जो इतना है यहाँ पर दिख रहा है ये इतना, इसको ला करके चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है HRF है, ठीक है। तो HRF के बाद क्या लगता है लिंक, तो लिंक कैसे लगाना है, मेन डोमेन को छोड़ करके उसके बाद का जितना भी चीज़ है उसको कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से लिंक जो है यहाँ पे लगाना है, तो इसको फिर ला करके सेव कर देना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़, ठीक है, कि अब किस तरह से मेन्यू बनाना है, आइकन कैसे लगाना है, ये जो ब्रेक है वो कैसे लगाना है और लिंक्स कैसे चेंज करना है, ये सारा चीज़ मैंने इसमें बता दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए जिस तरह से कहीं कहीं आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको मान लीजिए ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब ये लैंग्वेज जो कॉपी हो सकता है उसको आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, ठीक है, कॉपी यहाँ से करोगे। और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे ला करके सबसे पहले उसका मीनिंग देख लेना है कि क्या है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ला करके इसका मीनिंग क्या था, पॉपुलर पोस्ट। तो ये पॉपुलर पोस्ट को मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको ये सर्च करना है, ठीक है। तो कंट्रोल सी करके आप इसको सर्च कर लोगे, इसमें आ करके कंट्रोल एफ़ करो, फिर कंट्रोल वी करो और यहाँ पे इंटर करो। तो ये देखिए ये कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे देखोगे तो टाइटल में ये दिया हुआ है, लेकिन इसके जस्ट बाद टाइप में पॉपुलर पोस्ट लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है पूरा और इसको पॉपुलर पोस्ट से, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पॉपुलर पोस्ट से इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर ये जो दिया हुआ है वो लिख सकते हो। अब इसको सेव कर देना है। तो अब सेव करके आप यहाँ पे आओगे, देखोगे तो चेंज हो जाएगा। तो जितने भी इस तरह के, तो सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए पॉपुलर पोस्ट हो गया। इसी तरह से आपको सारे चेंज करने, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और जाकर के वहां पे लिख करके चेंज कर लेना है। यहां पे जैसे ये कॉपी नहीं होगा तो आपको क्या करना है, यहां पे ला करके लिखना है, ठीक है, कि ये टी ए आई ऐसे करके, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे तो आपको सारा चीज जो है वो दिख जाएगा, जैसे ये TAITHEM, तो इसको लिखना है यहां पे, आप TAITHEM, ठीक है। तो अब इसको सर्च करना है, तो ये सर्च करोगे आप। तो इसी तरह से जो भी लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको चेंज करने हैं वो आप जो है वो चेंज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज कर लोगे, ठीक है, वो सारे चीज़ यहाँ पे ये प्रोफाइल पे ये इसको कॉपी करके चेंज कर लोगे, ठीक है। तो ये सारा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, बाकी आपका सारा चीज़ चेंज हो गया। आप सोशल आइकन्स का बात करते हैं, तो सोशल आइकन्स जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको जैसे अब फिर से आपको वही लास्ट में जो मेन्यू वाला जो ऑप्शन था जस्ट उसके नीचे सोशल आइकन्स आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मेन्यू है, तो इसके जस्ट नीचे आप जब आओगे, अब मेन्यूज में यहाँ पे जो क्लोज है, ठीक है, क्लोज के जस्ट नीचे मेन्यूज के बाद आप यहाँ पे देखोगे, मेन्यू के खत्म होने के बाद जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे लिंक सोशल मीडिया ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ से सोशल मीडिया का लिंक जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब आपको इस लिंक्स में क्या क्या है वो आपको सर्च कर लेना है सबसे पहले। तो आप देखोगे कि ये वाला जो लिंक है इसके जस्ट नीचे ये जो लिंक है आपको यहां पे दिख जाएगा। आपको क्या टाइटल आपको देखोगे तो आपको टाइटल में दिख जाएगा फेसबुक, ठीक है। तो अब यहां पे आपको अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा देना है। यहां HRF में हैश दिखेगा, ठीक है, तो हैश के जगह पे आपको अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा देना है। यहां पे भी आपको इंस्टाग्राम पे है, आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक यहां पे लगा देना है। तो इस तरह से आप जो है लिंक यहां पे लगा दोगे, ठीक है। सिर्फ आपको यहां पे लिंक लगाना है, सर्च करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम लिख के भी आप सर्च कर सकते हो और उसका लिंक जहां भी आपको दिखेगा वहां पे आपको HRF दिख जाएगा, वहां पे आकर के आपको लिंक लगा देना है। तो इस तरह से सोशल मीडिया का हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब ये बटन एक ये होता है, इसको भी चेंज करने के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो कैसे चेंज करना है इसका गाइड यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ एक कोड्स हैं कुछ, उस कोड्स को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है वहां पे, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब एड्स का है, सैंपल एड्स कैसे लगाना है। तो एड्स के लिए भी आपको यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे दिया होगा ट्यूटोरियल्स में, ये गूगल एडसेंस हाउ टू एड एडसेंस एड्स इजलियर एंड लाइटर, ठीक है। तो इसको आप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको किस तरह से एड लगाना है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे हम इंग्लिश में, तो यहाँ पे ये देखिए ऐड लगाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स गूगल एड्स लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सर्च करना है, ये एड्स लिख करके आप सिंपली सर्च करोगे। तो एड्स लिख के जब सर्च करोगे तो आपको
कई बार इंटर करोगे आप इसमें एड्स लिख के सर्च करोगे तो ठीक है, तो सर्च कर कब तक करोगे तो एड्स लिख करते जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये सी डेटा करके इस तरह का कुछ दिखेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो इन्होंने बना करके रखा है। मेन आपको खोजना है तो उसमें क्या है कि विजेट है, विजेट सेटिंग्स। अब जैसे कि आप इस पर आओगे तो ये क्या है, ये एक विजेट है, ये एक तरह का विजेट है, ठीक है, इसको लगाया गया। तो आपको क्या करना है कि विजेट सेटिंग के पास आ जाना है एड्स लिख के सर्च करके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सी डेटा, ये देख रहे हो आप, ये सी डेटा यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी दिया हुआ है क्लास एड्स हियर, ठीक है, तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि ये सी डेटा के अंदर ये जो इतना है इसके अंदर आपका जो आपका जो एड्स का कोड होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, तो आपका एड्स जो है वो शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पे इन्होंने दिया हुआ है, इनके पोस्ट पे आप पढ़ोगे तो वही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है कि सी डेटा के अंदर इन्होंने जो है वो एक फॉर्मेट, जैसे यहां पे देखिए ये सी डेटा है यहां पे, ठीक है, ये आप देख रहे हो सी डेटा, इसके अंदर इन्होंने ये पूरा ये जो कोड्स जो है ये अपने एड्स का, गूगल एड्स का ये कोड जो है यहां पे लगा के इन्होंने रखा हुआ है। तो उसी तरह से आपको यहां पे सर्च कर लेना है विजेट सेटिंग पे, ठीक, विजेट सेटिंग के जस्ट जहाँ पे विजेट सेटिंग में आप आओगे तो विजेट सेटिंग में ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह का ये चीज़ आपको जहाँ भी दिखेगा आपको क्या कर लेना है कि आपको वहाँ पे अपना एड्स का कोड जो है इसके अंदर जो है वो डाल देना है, तो आप जो है इस तरह से आपका जो एड जो है वो शो करना है। तो कहाँ से कहाँ तक तो कोड डालना है, तो आपको ये सी डेटा में ये जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये DIV ये पूरा ख़त्म कर देना है और यहाँ पे अपना कोड आपको डाल देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका एड्स जो वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसका पूरा का पूरा सेटिंग करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इस थीम का किस तरह से कस्टमाइजेशन करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जो थीम जो है आप परचेज करने के बाद ही यूज करो, किसी भी तरह से आप इसको जो आपको जो नेट पे जो इस थीम के कोड्स मिल रहे हैं वो या तो नल्ड हैं या फिर डुप्लीकेट हैं, ठीक है, तो उसको यूज मत करो, ठीक है, उसको यूज करोगे क्योंकि ये भी थीम जो है वो डुप्लीकेट थीम है, जिस सिर्फ मैंने कस्टमाइजेशन के पर्पज से आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस थीम को यूज करने के लिए जरूरी है कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। अगर आप बाय नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आप किसी भी इलीगल तरीके से इस थीम को आप यूज कर रहे हो, और उसके लिए आपके ब्लॉग पे या फिर वीडियोस पे जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो इस पर कॉपीराइट आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस थीम को बिना परचेज किए यूज़ मत करें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इसका जो है $13 इसका दाम है, $13 में आप इसको जो है वो बाई कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बाकी नेट पे जितने भी कोड्स मिल रहे हैं प्लीज़ उसको यूज़ मत कीजिए, उसको यूज़ करोगे तो बाद में आपको चलकर खतरा भी हो सकता है, बाद में आपका ब्लॉग जो है वो रिस्क में पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप नेट से जो कोड उठा रहे हो उसको आप लगा करके भी देखोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग्स आपको दिखेंगी या कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज आपको दिखेंगी। इस थीम में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इस थीम को मैं पूरा दिखाऊंगा उतना तो टाइम नहीं है कि, लेकिन मैं अगर दिखाऊंगा तो इसमें आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज दिख जाएंगी। क्या क्या डिफ़िकल्टी दिखेंगी कि अब जैसे कि मान लीजिए ये थीम है, ठीक है, तो जो रिलेटेड पोस्ट होगा उसमें नो इमेज का इशू आएगा, TOC में जो होगा वो मेन्यू जो होगा वो अच्छे से कैटेगराइज नहीं होगा, तो वो सारे डिफ़िकल्टीज इसमें आएंगी। इसीलिए आप इसके परचेज करने के बाद ही इस थीम को यूज करें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।